बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमानुल्लाह ख़ान। पुराने और नए सब दोस्तों को गमाद 99 यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आज बात करेंगे मुखालफों के बारे में। 10 मुखालफे जो हैं उनमें थोड़ी बहुत अपडेट्स की गई हैं, कुछ तो पुराने हैं और कुछ नए उसमें ऐड किए गए हैं, तो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। चूँकि दोस्त जो है कमेंट्स में भी और मुझे जो यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं ट्रेलर टैंकर ड्राइवर्स, वो मुझे कहते रहते हैं कि यार को मुखालफों के बारे में भी अपडेट दिया करो, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर भी क्यों ना वीडियो बना लें। तो सबसे पहले आते हैं मुखालफों को स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, पीली पट्टी से जो बाहर गाड़ी चलाएगा उसको 1000 से लेकर 2000 रियाल तक मुखालफा होगा। अब पीली पट्टियाँ अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि राइट वाली या लेफ्ट वाली, तो आपने दोनों माइंड में रखनी है। जहाँ पर जो वाजें की गई है वो तो लेफ्ट वाली की गई है, यानी कि बाएं साइड वाली, लेकिन आपने पीली पट्टी माइंड में रखनी है, ना आपने लेफ्ट वाली पीली पट्टी से बाहर चलना है ना राइट वाली से। तो ये तो होगा पहला मुखालफा। अब चलते हैं आगे वाले जो है मुखालफे की तरफ। नंबर दो पर आता है फुटबारी क्रॉस करना सड़क को गलत तरीके से, यानी कि क्रॉस करना या वो सड़क के किनारे मकामात जो आम आवाम के लिए मुख्तस किए गए हैं, पब्लिक के लिए रास्ता बनाया गया है, उन रास्तों पर गाड़ी पार्क करना, तो उसके लिए उसका भी मुखालफा है। अब आते हैं तीसरे मुखालफे की तरफ। आप दोस्तों को पता होगा सऊदी अरब में अभी बसें चल रही हैं, जो कुछ मेट्रो की बसें हैं और कुछ जो हैं दूसरी बसें हैं जो उमरा वाली बसें हैं जद्दा साइड में, तो उनके लिए एक अलग से जो है ना रोड बनाया गया है। उस रोड पर जो है गाड़ी चलाएगा उसको 1000 से लेकर 2000 तक मुखालफा होगा। उसके बाद चौथे नंबर वाले मुखालफे की तरफ आते हैं, लाइटें बंद रखना, यानी कि आपकी लाइट्स अगर बंद हैं वाजे नहीं हैं तो उसका भी आपको 1000 से लेकर 2000 के दरमियान तक मुखालफा हो सकता है। नंबर पाँच पे आते हैं बड़ी गाड़ियों का एक दूसरे को क्रॉस करना, जिसे तजावुज़ भी कहते हैं। खैर ये मुखालफा तो पुराना है, लेकिन इसमें जो नई बात ऐड की गई है उसमें मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि हम लोग तबूक शहर, दुब्बा शहर या फिर अलजोब शहर या कसीम शहर, तो हम जहाँ पर ना अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे देख कर ना तो एक दूसरे से आगे गुजर जाते होते थे। हमारे माइंड में ये था कि कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अब आपको पता है कि डिजिटल दौर है, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आजकल कैमरे का दौर है जो कि बहुत दूर से जो है ना आपको कवर कर रहा होता है, तो यूँ आपको पकड़ा जा सकता है बशर्ते कि आपको देखने वाला कोई और बंदा ना हो तो भी। अब आते हैं छठे मुखालफे की तरफ, जो खिदमा रोड है, सर्विस रोड जिसे कहते हैं। इसमें आपको पता होगा, देखा होगा आपने छोटे छोटे इशारे लगे होते हैं, अगर वो इशारा बंद है अगर फिर भी आप निकल जाते हैं तो ये छोटी गाड़ियों वाली के लिए है, 150 रियाल से लेकर 300 तक आपको मुखालफा हो सकता है। नंबर सात में आते हैं बड़े ख़तरनाक मुखालफे की तरफ, जो कि नंबर प्लेट का है। आपकी नंबर प्लेट लगी हुई तो होगी लेकिन वाजे नहीं है, नंबर उसमें मिटा हुआ है रमल लगने की वजह से, तो आपने उसको अपडेट कराना है। उस पर किसी भी तरीके से आपने उसको जो काले हिंसे दिए होते हैं आपने उनको काला ही रखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको उसमें 1000 से लेकर 2000 तक मुखालफा हो सकता है। नंबर आठ पर आते हैं बस स्टॉप पर गाड़ी रोकना, ये छोटी गाड़ी रोकने की बात हो रही है, 100 से लेके 150 रियाल तक आपको जुर्माना हो सकता है जो बस स्टॉप दिए गए होते हैं। वो बस स्टॉप मैं फिर से वादे कर दूँ, तो मेट्रो का हो चाहे जो मक्का में लोकल बसें चलती हैं जो उमरा के लिए लोगों को फ्री लेकर जाती हैं, चाहे उनका हो, सेम मुखालफा है। नंबर नौ पर जो जगह दी गई है मुखालफे को, वो है नो एंट्री के औकात पर गाड़ी का दाखिला। खैर ये भी मुखालफा तो पुराना है, लेकिन बात फिर वही आ गई है कि हम लोग एक दूसरे से, कई दोस्त होते हैं चालाक किस्म के, एक दूसरे से रब्ते करते हैं कि जी देखो शहर में कोई है तो नहीं, आप अभी गुजरे हो, तो वो कहता है नहीं नहीं अभी कोई नहीं घूम रहा है, तो कोई नहीं घूम रहा है तो आपको कैमरा जो है ना वो देख रहा है। आजकल मैं फिर से दोहराता हूँ इस बात को कि आजकल डिजिटल दौर है, वो पुरानी बातें आप भूल जाएँ, आपने इसकी पाबंदी कर रही है, इस पर भी 1000 से लेकर 2000 तक मुखालफा होगा। अब आते हैं आखिरी मुखालफे की तरफ, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे की तरफ, जो कि आपको पता भी होगा पुराना है लेकिन इन्होंने उसमें एडजस्ट कर रखा है फिर भी। ये है मीज़ान का, जिसे पाकिस्तान में कांटा कहते हैं, वजन वाले कांटे की बात हो रही है। अगर आप उस पर गाड़ी जो है ना अगर आप उस पर नहीं चढ़ाते तो आपको 5000 रियाल का मुखालफा होगा। जी मौजूद नाजरीन, ये नए और पुराने मुखालफात की कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का अल्लाह निगहबान।